अब यहां आगे जाकर राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि ये जो मृत्यु के बाद बोला जाता है स्वर्ग है नरक है तो सच में है कि ऐसे ही डराने को बस। बोले सच में है। तो बोले कैसे है क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग में तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है और समय के हिसाब से जाते हैं, साल के नहीं, कर्मों के नहीं, समय के हिसाब से कि इतने समय का पुण्य है इतने समय का पाप है तो उतना समय वहां गुजारना पड़ेगा। तो स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होगी, जो मन जो इच्छाएं आपकी वो पूरी की जाएगी। नरक में क्या होगा? बोले नरक एक दो नहीं कुल 28 नरक लोक है। कितने? वहां क्या होता है? बोले कर्म के हिसाब से दंड मिलता है। बोले जैसे कि बताइए कैसे दंड मिलते हैं? अब देखिए उन्होंने तो असली दंड बताए थे, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताती हूं क्योंकि राजा परीक्षित जिसने जीवन में एक ही पाप किया उसकी भी सजा उसको मिल गई, वही जब डर गए तो हम और आप तो कितना डर जाए। तो एक साधारण उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए घर में जो डस्टिंग करते हैं ना, माने जो धूल बैठ जाए तो बस खाली झाड़ देते या पोछ देते हैं। उस कपड़े को साफ करना है, कैसे साफ करोगे? पानी में, थोड़ा सा पानी में डाल के साफ करके साफ हो गया। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसको कैसे साफ करेंगे? साबुन से, पानी में साबुन से थोड़ा सा कूटनी का इस्तेमाल होता है, मारते पोछे कपड़े उससे, मगर साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर में जो रसोई घर है उसका कपड़ा है, इसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब पीटा जाएगा कूटनी से, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसा पाप वैसा दंड। राजा परीक्षित तो बहुत डर गए।